तो उसको तो भाई दोनों टीमों के बीच में और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयार है। देवभूमि की तरफ से पहली रेड, सेमीफाइनल के विजेता भी फाइनल में पहुंचकर पूरी तरह से वेरी गुड ट्राई बाई सिक्स नंबर प्लेयर। उत्तराखंड पुलिस की बहुत ही बढ़िया प्रयास है, आप मौके तक नहीं पहुंच पाए यानी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाए। हेलो हेलो, मेरा स्वागत समिति से निवेदन, हमारे बीच श्रीमान नरेश चौहान जी क्षेत्र पंचायत सदस्य लाठा उपस्थित हुए हैं। समिति श्रीमान चौहान जी को मुख्य मंच से लाने का कष्ट करें। हमारे बीच जैसा कि मैंने कहा, श्रीमान नरेश सिंह चौहान जी क्षेत्र पंचायत सदस्य खुंडालमान पहुंचे हैं। समिति से निवेदन, आप श्रीमान चौहान जी को मुख्यमंत्री का कार्य कर रहे हैं। सिटिंग ब्लॉक में बैठकर हमारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, उनके अंदर भी कबड्डी को देखकर जोश आ रहा होगा कि हम भी कबड्डी खेलते हैं। लेकिन अब कहां से लाऊं, दिल में अरमान बहुत है कि कबड्डी खेलूं, पर बुढ़ापे में वो तूफान कहां से लाऊं। हमारे बीच में पहुंचे हैं पंचायत सदस्य ग्राम लाछा, हमारे बीच में पहुंचे हैं आपका समिति की तरफ से आपके अभिनंदन और स्वागत। या भाई पहला से विधान साहब आप अपना आसन ग्रहण कर लेंगे और हमारी जो व्यवस्था पर बंधु है पानी वाले कृपया भाई दोनों टीमें प्रयासरत हैं फिलहाल यहाँ पर फाइनल में पहुंचने के लिए, वे सभी से इंतजार कर रही, लेकिन बढ़िया मेहनत फाइनल में पहुंचा देगी। हेलो, जैसे कि सभी को आपने अनेकों जगह जाकर के
इस तरह के आयोजन में अपनी प्रतिभा किया है, आप अभिनंदन करते हैं। मान्यवर, आपने अपना योगदान दिया है, आपने हमारे समारोह में चार तार लगाने का काम किया है, आपका कौन सा हार्दिक अभिनंदन बात। दूसरे सेमीफाइनल की दोनों टीमें तैयार हैं। हेलो, दोनों टीमें जोड़ रहे हैं, पूरा फाइनल में पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करें। कोई कहता है कि गर्मी जून में होती है, कोई कहता है कि गर्मी खून में होती है। ना गर्मी जून में होती है, ना खून में होती है, गर्मी तो दोस्तों जीत के जुनून में होती है। पहला हाफ जारी है, कुछ भी हो सकता है ना इसमें, ऐसी बात नहीं है। और एक जैसे कि आप सभी को मालूम है, जौनसार बाउल में जितने भी मंदिर बने हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नरेश चौहान जी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपने महारत हासिल की है, इसके लिए के अति विशिष्ट है, आपको समिति ने आमंत्रित किया है, आपने उसको मदे न रखते हुए हमारे बीच में प्रतिभा किया, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई नरेश चौहान इतनी बच्चे का मोहताज नहीं है, वे किसी भी समाज की समाज सेवा करते हैं, इस सेवा का हम यहाँ पर आपको साधुवाद देते हैं कि आप जो कल समाज के लिए सम्मान करेंगे। हेलो, बहुत ही बढ़िया। अभी तक मोमेंटों से सम्मान जो करेंगे हमारे समिति के कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष अमित जोशी जी, और मैं शॉल ओढ़ा करके जो श्रीमान नरेश चौहान इंजीनियर साहब का स्वागत करेंगे, श्रीमान गंभीर चौहान जी पूर्व अध्यक्ष, आप समिति के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष हैं, आपसे मेरा आग्रह और आपके साथ हमारे जो संरक्षक मंडल के सदस्य हैं कि आप इंजीनियर साहब का और समाज सेवक हमारे नरेश भाई का सम्मान करने का कष्ट करें। बहुत ही बढ़िया, देखो कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा नजर नहीं मिलता। और हर संभव प्रयास करेंगे कोई गलती करने को कोई मानस को पता है कि जोरदार भाव में जितने भी सुंदर मंदिर बने हैं, होगी कि आप निस्वार्थ भाव से जो मंदिरों का सौंदर्यकरण, मंदिरों का नव निर्माण जो करते हैं, उसकी जो शक्ति आपको दी है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वासु महाराज और भगवान शिव का आपके ऊपर जबरदस्त आशीर्वाद पहुंच करके मंदिरों को देखते हैं और वहाँ का डिजाइन, वहाँ का सौंदर्यकरण, वहाँ का नव निर्माण किस तरह से होगा, ये आप परिवार जी जानते हैं। और मैं कहूँगा कि टीमें लखाओ टीम और केसरी चंद युवा समिति, दोनों टीमें ग्राउंड के पास आ जाए और एकदम तैयार रहे। हेलो, बहुत ही बढ़िया। उसी के किसी को किसी कहीं कहीं बढ़ा दे भाई, ये सेमीफाइनल चल रहा है, कृपया कम्युनिटी करें और फाइनल में कोई भाग नहीं बोलेगा, सिर्फ एम्पायर कार्ड दिखाएंगे और टीम को भाग भी कर सकते हैं। कृपया ये सेमीफाइनल फाइनल की कमेंट्री प्रॉपर करें, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल एक नंबर रखी मेरे रेडर उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, अकेडमी की तरफ से आठ नंबर रखी में और उत्तराखंड पुलिस जो उधर वाली साइड में है उनका 18 है। बेहद रोमांचक स्थिति और बहुत ही बढ़िया प्रयास
देवभूमि बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। 20-18 का स्कोर है। एडवांटेज इन फेवर ऑफ देवभूमि और उसके साथ एक और खड़ा देवभूमि इनके पास ये गोल्डन चांस है। स्वर्णिम अवसर है और शुरू से ही अपनी गाड़ी का छटा गियर लगा के रहना पड़ेगा वरना अभी दिल्ली दूर है। और अब और उत्तराखंड पुलिस की टीम अभी थोड़ा सा माइनस में 4 पॉइंटों का इनके ऊपर कर्जा है, वो कर्जा जल्दी उतारना पड़ेगा। आपका स्वागत आप लाल शिलगुड़ पब्लिक स्कूल कोटी खत बिछाए उसके बच्चों को उच्च स्तर पर पहुंचाने का जो कार्य किया है आपका तालिबे काबिल है। आप हमारे अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। जी भाई, हमारे बीच में जो मेहमान है बहुत बड़े बड़े उपलब्धियाई के सबके नाम है जो स्टेज पर किसने समझा है बदलते हुए मौसम का मिजाज धूप रहते हुए बरसात भी हो सकती है। और जो टीमें हार कर जा रही है वो चिंता न करें भाई, मैंने कल भी कहा था कि तुम्हारी हार भी मुझे जीत जैसी लगती है और ये मायूसी मधुर संगीत जैसी लगती है। मेरी शकल तुम्हें भले ही गुरमीत राम रही जैसी लगती हो और तुम्हारी शकल मुझे हरिप्रीत जैसी लगती है। प्रयाजा बलगारी बहुत ही बढ़िया, ये देखो करने से लाभ मिला। अब जो थोड़ी देर पहले 8 पॉइंटों की लीड थी उसमें से एक इन्होंने और के साथ बहुत बढ़िया अभी क्या भाई रेफरी का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और इसके अलावा उन्होंने जो खींच दी वो पत्थर की लगी है। के साथ निकलने की कोशिश की लेकिन बहुत ही बेहतरीन अब निचोड़ पर पहुंचता जा रहा है मैच धीरे धीरे। देवभूमि की तरफ से अगली है हेलो हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं देहरादून के महापौर श्रीमान सुनील गुलजार गामा जी। आपका समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत समिति के। आपसे मेरा आग्रह कि आप महापौर को सम्मान सहित मुख्यमंत्री लाने का कष्ट करें। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में देहरादून के महापौर और नगर निगम के अभिनंदन और स्वागत। जैसे कि आप सभी को विजित है ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आपके क्षेत्र में हो रहा है। जिस प्रकार से आपने वीर शहीद केसरी चंद जन्मोत्सव के लिए प्रयास किया है और उनके जन्मदिवस पर ये खेलकूद प्रतियोगिता के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत समिति के लोगों से निवेदन स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और महापौर का स्वागत करें। रोशनाई बिखर गई वरना मैं अपने दिल पे तेरा नाम लिखने वाला था। अगला मैच मेजबान टीम किसी के युवा समिति सेमीफाइनल में दूसरा सेमीफाइनल लग रहा है दोनों टीमों के बीच है। पहला इन प्रोग्रेस है। विशेष सूचना जब भी लोग ग्राउंड में जाएंगे मैदान में जाएंगे तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें हमारे बाएं तरफ नमामि गंगे कांग्रेस माइक मुख्य मंच तक पहुंचा दे हमारे संरक्षक महोदय श्रीमान रणवीर सिंह तोमर जी के पास मैदान से
पहला सेमीफाइनल अपने आखिरी पड़ाव पर धीरे धीरे आता जा रहा है और मान्य महापौर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि वीर शहीद केसरी चंद का जो जन्मोत्सव इस ग्राम में मनाया जा रहा है, इसके लिए अपना अमूल्य समय तो दिया ही दिया है आपने, तन मन धन्यता हो रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है आप करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि समिति समय कसत होती है उसको बचाने, तो इसीलिए महापौर साहब मेरा आपसे संक्षेप में अनुरोध है कि आप भलीभांति जानते हैं समिति आर्थिक संसाधनों से गुजर रही है।